एनएसओ परिवार को मेरा नमस्कार। जो भी यहाँ पधारे हैं हमारे भाई हमारी बहन हैं, कहूँगा कि भाई साहब के आशीर्वाद से जितने भी कॉलेज जीते हैं वो भाई साहब की मेहनत थी, अभिषेक जी की मेहनत थी। एकदम मुकाबला है, वोटिंग रेशियो किस तरह से रहा, कितना वोट रेशियो एनएसओ के पक्ष में गया? राजस्थान में अगर आप जो छात्र संघ चुनाव 2022-23 हुआ है उसमें जिस प्रकार से मतदाताओं ने भाग लिया और जो परिणाम रहे, उस परिणाम का अगर आप पूर्ण विश्लेषण करते हैं तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एनएसयूआई को पूरे प्रदेश में 39% वोट मतदाताओं ने दिया है और हमारा जो प्रमुख विरोधी संगठन है वो महज 21% वोटों के साथ में हमसे तकरीबन आधी स्थिति में है। लेकिन चूँकि इलेक्शन का एक अलग मैकेनिज़्म है और कुछ जगह हम उस मैकेनिज़्म को सही तरह से फॉलो नहीं कर सके, उसका परिणाम हमें जैसा मिलना चाहिए था वैसा परिणाम हमें मिल नहीं पाया। कई जगह हम वोट अच्छे लाए लेकिन कहीं छोटे मार्जिन से हार गए, जीत नहीं पाए हम लोग। वो जो भी कमियां रही उन कमियों का विश्लेषण हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं और एक मजबूत परिणाम आप सब लोगों के सामने जल्द लेकर आएंगे। भाई बड़ा सा बोल रहे हैं साथ करके और पूरे पैनल निकालेंगे, सभी कॉलेज को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परिणाम है एनएसयूआई के लिए कोई सुखद परिणाम नहीं थे। अब किस प्रकार से एक बार फिर से प्रदेश भर से एनएसयूआई के कार्यकर्ता आपने बोला है, आज क्या कुछ? आज एनएसयूआई ने प्रदेश के अपने परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों से एक आह्वान किया और एक छोटे से आह्वान पर सभी लोग पूरी ताकत से पूरे समर्पण से यहाँ पहुँचे हैं, आप सब लोगों के सामने हैं। और जहाँ हम चुनाव जीत कर आए हैं वहाँ हम हमारी विचारधारा को और ज़्यादा कैसे मजबूत करें, जहाँ हम चुनाव नहीं जीत सके वहाँ हम कैसे हमारी विचारधारा के बल पर जीत की विजय पताका फहराएं, इन सब बातों पर आज सभी साथी परिवार के सभी जिम्मेदार सदस्य चिंतन करेंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात करेंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी में एक भी एनएसयूआई का प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, कई उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट वितरण ठीक तरीके से नहीं हुआ, क्या कुछ आपने अभी तक देखा और परखा कि क्या कमी रह गई थी एनएसयूआई? देखिए, मैं राजस्थान एनएसयूआई का आज संगठन की तरफ से नियुक्त किया गया सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति समझता हूँ और अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए जो ये परिणाम रहे इन परिणामों को मैं स्वीकार करता हूँ और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी कमियाँ रही उन कमियों को हम दूर करें और एक मजबूत संगठन हम आप सब लोगों के बीच में मजबूती से फिर से खड़ा करें। भाई बड़ा सा इतार हम बोल रहे और ये भी कहूँगा कि जो जो साथी जीत के आए उन्हें हार्दिक बधाई, जो हारे हैं वो निराश ना हो,